हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज के बिजनेस रनिंग वीडियो में बात करेंगे आप अपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो कस्टमर है वो रिपीटेबल कस्टमर हो। उससे होगा क्या कि जब आपका कस्टमर सेकंड या थर्ड टाइम आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेल करेगा, तो अगर आपका इनिशियली कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन हाई है, तो स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होने लगेगा। साथ ही साथ में अगर आप अपने कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको राइट चैनल ढूंढना होगा जिसके द्वारा आप अपनी मार्केटिंग करेंगे और आपको एक राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।